राज्य शासन के निर्देशानुसार नगर परिषद बागली द्वारा विजय दिवस के उपलक्ष्य में जनपद सभागृह में सैनिक सम्मान आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की शहादत और उनकी वीरता के बारे में बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूतपूर्व सैनिक युद्ध की शौर्य गाथा का बखान करते हुए भावुक दिखे। इस दौरान मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी हुआ। कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों को साफा पहनाकर और साल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में शहीद हुए सैनिकों के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी शहादत को याद किया गया। सैनिकों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और सांसद नजारा दिखे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। ये सबसे पहले तो आज सेना का शौर्य और पराक्रम का दिवस है, सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 16 दिसंबर को विजय दिवस सम्मान समारोह के रूप में मनाने के निर्देशित किया गया था। उस उपलक्ष्य में नगर परिषद बागली द्वारा 1971 की जो जंग में जिन्होंने सैनिक हमारे सैनिकों ने भाग लिया या उनके परिजन लिया, उनको बुला के उनका माननीय अनुभाग अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में उनका जनपद सभा कक्ष में आयोजन रखा गया और उनका सम्मान किया गया। इस उपलक्ष्य में स्कूली छात्र छात्राओं भी उपस्थित थे, जिनको उससे जंग से संबंधित वीडियो क्लिपिंग भी दिखाई गई और उस युद्ध से संबंधित जानकारी भी दी गई बच्चों। कितने सैनिकों का यहाँ पर सम्मान किया गया? 3 सैनिकों उनके परिजनों का। सही। इसी तारीख 16 दिसंबर को 48 वर्ष पूर्व भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान द्वारा भारत पर थोपे गए युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में शहीद जवानों को हम श्रद्धापूर्वक सलाम करते हैं। सन 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध एक सैन्य संघर्ष था। यह संघर्ष 3 दिसंबर को शुरू हुआ और 16 दिसंबर को ढाका में पाक सेना के समर्पण के साथ समाप्त भी हो गया। इस युद्ध की शुरुआत में पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमले किए। इसमें भारतीय सेनाओं का पाकिस्तान से पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों मोर्चों पर संघर्ष हुआ। पाकिस्तानी सेना दोनों मोर्चों पर बुरी तरह से परास्त हुई। हताश पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हुई। इसी के साथ पूर्वी पाकिस्तान एक नए देश बांग्लादेश के रूप में विश्व मानचित्र पर स्थापित हुआ। भारत की पाकिस्तान पर इस ऐतिहासिक जीत को ही विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह युद्ध इंदिरा गांधी जी के सशक्त नेतृत्व और अद्वितीय राष्ट्रवाद की अद्भुत मिसाल होने के साथ साथ भारतीय जाबाज सैनिकों के अदम्य शौर्य का प्रतीक भी है, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिक घुटने टेकने पर मजबूर हुए और उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। सन 1971 की इस अभूतपूर्व विजय के 2 प्रमुख कारण रहे। एक, तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी का दृढ़ संकल्पित राजनीतिक नेतृत्व और दूसरा भारतीय थल सेना अध्यक्ष और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल SHFJ मानेकशा के कुशल नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व में भारत की तीनों सेनाओं का अपरिमेय शौर्य। उस समय अधिकांश पश्चिमी देश और तब की महाशक्ति अमेरिका भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ नहीं करने को खुलेआम धमका रही थी। तब श्रीमती इंदिरा गांधी का ही साहस था जिन्होंने पाकिस्तान को सशस्त्र संघर्ष में सबक सिखाया और भारत की प्रभुता स्थापित की। भारत माता की इन दोनों संतानों के नेतृत्व और असाधारण सूझबूझ एवं सैन्य बलों के अदम्य शौर्य ने देशवासियों को जिस तरह हर्षित और गौरवान्वित किया वह बेमिसाल था और युगों तक रहेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस बारे में 16 दिसंबर 1971 को संसद में वक्तव्य दिया था। वक्तव्य का प्रमुख अंश था कि मुझे एक घोषणा करनी है, पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने बिना शर्त बांग्लादेश में आत्मसमर्पण कर दिया है। यह संसद भवन एवं समूचा राष्ट्र इस ऐतिहासिक घटना पर खुशी से झूम रहा है। हमें अपनी थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है। उन्होंने अत्यंत शानदार तरीके से अपनी गुणवत्ता और क्षमता का प्रदर्शन किया। कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा और अनुशासन सर्वविदित है। भारत उन वीर जवानों को हमेशा याद रखेगा
जिन्होंने इस संघर्ष में अपने जीवन की कुर्बानी दे दी, हम उनके परिवारों के साथ हैं। आज भारत पाकिस्तान के उस युद्ध और उसमें भारत की एक तरफा जीत के प्रसंग को दोहराने से मेरा आशय यह है कि भारत न पहले कमजोर था और न आज है। 1971 की इस विजय ने भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। इससे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।